देखिए हम लोग जगदेव बाबू के मूर्ति के पास आ चुके हैं। ये फिर असामाजिक तत्वों के द्वारा ये जगदेव बाबू के मूर्ति को दोबारा क्षतिग्रस्त किया गया है। आपको भी पता होगा, तभी अब हमारे पास आए हैं। बाबू जगदेव प्रसाद जी की मूर्ति है, जो कि भारत ललिंग के नाम से हमारे जगदेव प्रसाद जी जाने जाते हैं और पूरे 90% लोगों की लड़ाई लड़े हैं। और उन्हीं लड़ाई के बदौलत भारत के जितने भी कमज़ोर तबका के लोग हैं उनको बोलने का अधिकार मिला। और उसी को देखते हुए कुछ असामाजिक तत्व, अपराधी तत्व के लोग हैं जो कि समाज में जहर घोलना चाहते हैं। हम लोग एक ही बात जानते हैं, मानव मानव एक समान। हम लोग जाति में बंटते नहीं चाहते और यहाँ लोग जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो ये घृणित राजनीति कर रहे हैं कि जो कि बाबू जगदेव प्रसाद जी की मूर्ति है उसको हमेशा ये लोग तोड़ दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि जातीय उन्माद पैदा हो, तो उन लोगों से आगाह करा देना चाहता हूँ कि भोजपुर की धरती है, आरा की धरती है और यहाँ की धरती पर 95 से लेकर 2005 तक क्या हुआ किसी से छिपा नहीं है। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि फिर से भोजपुर को उसी दौर में लाना ये लोग लाने की कोशिश न करें। अगर तुम लोगों की लड़ाई बाबू जगदेव प्रसाद जी के विचारधारा के लोगों से है तो सामने आकर लड़ाई लड़ो, उनके मूर्ति को तोड़ने से क्या होगा। इसे तो साफ प्रतीत होता है कि तुम लोग कमजोर हो और रात में आकर एक मूर्ति पर तुम लोग उनका तोड़ के अपना बल दिखा रहे हो। तो चुनौती देना चाहता हूँ कि अगर ऐसी मानसिकता, घृणित मानसिकता वाले लोग अगर भोजपुर जिले में फिर से जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं तो ये कतई भूल न करके कि भोजपुर की जनता जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। साथ ही साथ प्रशासन से भी आगाह करा देना चाहते हैं हम कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, नेम्ड एफआईआर हुआ है, सख्त कार्रवाई हो ताकि भोजपुर का माहौल खराब ना हो। हम लोग जातीय उन्माद फैलाने वाले लोग नहीं हैं, ना जातीय उन्माद फैलाने वाले पर भरोसा करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सभी लोगों के साथ आप सामंजस्य मिला कर रहे हैं, लेकिन कब तक, जब तक आप रहना चाहिएगा तब तक। ये नहीं कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं और आप पीछे से छुरा घोपिएगा तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं। इसीलिए आज ये रोड जाम हुआ था, मूर्ति बना है, प्रशासन के द्वारा बनवाया गया, निम्न एफआईआर हुआ है और हम लोग शाम को फिर डीएम सर से मिलेंगे। यहाँ पर कि एक कैमरा लगाया जाए, चौक है और यहाँ अपराधी तत्व के लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, तो उसको नज़र बनाने के लिए डीएम सर से अगर लोग मिलेंगे एक कैमरा बनने चाहिए। अभी तक क्या आश्वासन मिला? 48 घंटा का अल्टीमेटम दिए हैं कि 48 घंटा में गिरफ्तार हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग आश्वासन मिला है हम लोगों को कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, अगर नहीं होता है तो पूरे जोर शोर से। अभी तो बहुत कम लोग आए थे, पूरे जोर शोर से भोजपुर के लोगों से आह्वान करता हूँ
कि आप लोग अगर 48 घंटा के अंदर में उसका गिरफ्तारी नहीं होता है तो सभी साथी फिर से एक बार जगदेव प्रसाद जी के मूर्ति के पास आए और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में अपने शक्ति को प्रदर्शित करें ताकि जो दुश्मन है उसका भी देख कर रोंगटा खड़ा हो जाए कि हम ऐसा फिर दोबारा गलती नहीं। कुशवाहा जिलाध्यक्ष महात्मा फूले समता परिषद।